तो उस औरत के आपको जवाब के अंदाज से पता चल जाएगा कि वो रिबटल कर रही है, क्योंकि जब वो मुसलमान ने वो बात की तो उसने कहा कि अच्छा आप अगर इस तरह की बातें करोगे ना तो हम भी ये कहेंगे, तो ये पहला मुजरिम तो वो। आप देखिए रहमानी साहब ने क्या बोला, मैं नूपुर को डिफेंड नहीं कर रहा, पर मैं एक बात बोल रहा हूं कि नूपुर ने क्यों बोला। उसके पहले अगर आप वीडियो देखें, इतनी गंदी गंदी बातें, इतनी गंदी, आई सेंड वन और टू वीडियोस टू यू जो मैंने ट्वीट नहीं करे क्योंकि मुझे लगा नहीं कि मुझे ट्वीट करना चाहिए, वो भड़काने वाली चीज हो जाती है। ऐसी ऐसी गंदी गंदी, उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई ओआईसी का नहीं आया, कोई ओआईसी का ये नहीं हुआ। देखिए इस्लाम ये भी तो कहता है ना, आप बताइए, यू आर अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम चीमा साहब, आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, इस्लाम ये भी तो कहता है कि दूसरे के मजहब की इज्जत करो, कहता है ना इंसान। तो पता इसका फायदा क्या होता है, बाहर की जो इन्वेस्टर होते हैं, जो कंपनी होती है, तो हर दिन वो अपना पैसा लगाती है इंडियन शेयर मार्केट में, लेकिन जब देखता है कि लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो पैसा नहीं लगाते, तो हिंदुस्तान के मार्केट डाउन होती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपने देखा, यहाँ पर दो तरीके के मौलाना थे, एक इंडियन मौलाना था, एक भारतीय मौलाना था और एक था पाकिस्तानी मौलाना। पाकिस्तानी मौलाना जो नूपुर शर्मा ने बयान दिया उस पर बात करते हुए बोल रहा था कि वो टोटल रिएक्शन था, जो कि एक मुस्लिम ने किया था हिंदू देवी देवताओं पर कॉमेंट किया था उस पर रिएक्शन था। वो वीडियो आप आगे देखेंगे पूरा, साथ में आपने भारत के मौलाना को सुना, भारत के मौलाना की सोच समझ सकते हो। ये लोग भारत के प्रोडक्ट को दुनिया भर में बैन कराना चाहते हैं, ये लोग भारत में दंगे फसाद करा के भारत में जो इन्वेस्टर FDI आ रहा है उसको मतलब रुकवाना चाहते हैं, इनकी ये सोच है। इनका काउंटर आपको पता है कैसे करना है, काउंटर इनका ऐसे करो, इनको शॉप में जाओ, नाम पढ़ो, सामान खरीदने से पहले रिएक्शन दे दो कि भाई अरे यहाँ से मुझे नहीं खरीदना, क्यों नहीं खरीदना उनको समझ में आ जाएगा। मैसेज जाना चाहिए कि ये तुम्हारी शॉप से सामान क्यों नहीं खरीद रहे हैं। अगर ऐसा थोड़ा थोड़ा भी करने लगे ना तो उनकी कम्युनिटी से ही लोग उठेंगे, और इस तरीके के जो मौलाना है जो बोल रहे हैं कि भारत में ये करो वो करो, भारतीय प्रोडक्ट का बायकॉट करवाते हैं, इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी और उनके खिलाफ बोलने लगेंगे। तो दोस्तों आगे आप पूरा वीडियो देखेंगे, मेजर गौरव आर्य बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरीके से ये नूपुर शर्मा का रिएक्शनरी बयान था और किस तरीके से ऐसी चीज़ें हो रही हैं। वीडियो देखते हैं अगर आपको ये, पहले तो आप वो सिनेरियो देखें उस टीवी प्रोग्राम का, उस टीवी प्रोग्राम के अंदर पहल जो है मुसलमान की जानिब से हुई है, उसका आपको अंदाजा होगा। अभी तो अधूरे क्लिप चल रहे हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से मुझे एक क्लिप मिला है और ज्यादातर तो उन्होंने गायब ही कर दी है सोशल मीडिया से, खुद भी उन्होंने कटिंग कर दी, कोई रियल टाइम किसी ने रिकॉर्ड कर लिया था टीवी प्रोग्राम से तो वो चल रहा है। तो उस औरत के आपको जवाब के अंदाज से पता चल जाएगा कि वो रिबटल कर रही है, क्योंकि जब वो मुसलमान ने वो बात की तो उसने कहा कि अच्छा आप अगर इस तरह की बातें करोगे ना तो हम भी ये कहेंगे, तो ये पहला मुजरिम तो वो मुसलमान है जो किसी के रिलीजन के बारे में इस तरीके से लाइव टीवी प्रोग्राम के अंदर आके बात कर रहा है। और ये बिल्कुल कोई कुरान और सुन्नत की तालीमात नहीं है कि आप किसी के रिलीजन का मजाक उड़ाएं, जबकि वो आपके मुखालिफ कोई रिलीजन है। एक तो है कि मैं मुसलमान हूं, मेरा सामने, इससे क्या होता है, अच्छा मैंने उसका देखा पाकिस्तान में रिएक्शन, पाकिस्तान में मैंने रिएक्शन देखा, कोई टीवी एंकर में नाम बोल गया कि देखिए कितना बहादुर आदमी है, हिंदुओं के बीच में खड़े होके, वो बहादुर नहीं है, उसको पता है उसके खिलाफ कुछ नहीं होना, उसकी बहादुरी वहां से आती है, उसकी बहादुरी वहां से आती है कि बिकॉज ही नोज ही इज बुलेट प्रूफ, उसको पता है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर आप मुझे गारंटी देते हैं कि मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, मैं तो दुनिया भर बकवास करूंगा रोज, पर मेरे में डर है ना, मेरा डर है कि आई कैन नॉट से दिस। तो चीमा साहब मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप देखिए रहमानी साहब ने क्या बोला, मैं नूपुर को डिफेंड नहीं कर रहा, पर मैं एक बात बोल रहा हूं कि नूपुर ने क्यों बोला। उसके पहले अगर आप वीडियो देखें, इतनी गंदी गंदी बातें, इतनी गंदी, आई सेंड वन और टू वीडियोस टू यू जो मैंने ट्वीट नहीं करे क्योंकि मुझे लगा नहीं कि मुझे ट्वीट करना चाहिए, वो भड़काने वाली चीज हो जाती है। ऐसी ऐसी गंदी गंदी, उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई ओआईसी का नहीं आया, कोई ओआईसी का ये नहीं हुआ। देखिए इस्लाम ये भी तो कहता है ना, आप बताइए, यू आर अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम चीमा साहब, आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, इस्लाम ये भी तो कहता है कि दूसरे के मजहब की इज्जत करो, कहता है ना इंसानों की इज्जत करो, इंसानियत की इज्जत करो, दूसरे के मजहब, तो कोई तो उलेमा
कोई तो इमाम या कोई तो मौलवी इनको भी बताए ना कि तुम जो कर रहे हो गैर इस्लामी है, तुम हिंदुओं को क्यों, उनके देवी देवताओं को क्यों गलत बोलते हो। नुपुर शर्मा, अगेन आई एम सेइंग, नुपुर शर्मा इज नॉट जस्ट अ पर्सन, इट इज अ रिएक्शन, और इससे हमारे समाज को बहुत चोट पहुंचेगी, क्योंकि रिएक्शन होगा। चीमा साहब, आपने जो मैंने ट्वीट करे हैं आपने देखा होगा, आपने कभी ऐसे ट्वीट करते हुए देखा मुझे? आपने कभी नहीं देखा होगा। मैं जनरली दिन से लेकर रात तक इमरान खान, पाकिस्तान, आईएसपीआर यही करता रहता हूं मैं, और दिन में 15 ट्वीट मेरे यही होते हैं। मैंने तो कभी रिलीजन के बारे में ट्वीट नहीं करा, मैंने तो आज तक नहीं करा पॉलिटिक्स के बारे में ट्वीट। मैं अब क्यों कर रहा हूं? मैं अब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे बुरा लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है भारत में ये मेरी, एंड आई कुड बी रॉन्ग, हो सकता है मैं गलत भी बोल रहा हूं चीमा साहब, एंड आई एम विलिंग टू एक्सेप्ट कि मैं गलत हूं या हो सकता हूं गलत, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पूरे सेक्युलरिज्म का जो लोड है ना वो हिंदुओं के कंधे पर डाल दिया कि तुम देखो बेटा तुम गाली खाओगे, ठीक है, तुम गाली खाओगे, तुम्हारे देवी देवताओं को गाली दी जाएगी, तुम जलील होगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का लोड तुम्हें उठाना है, तुमने कुछ बोल दिया तो सरपंच से जुदा। यार ये तो गलत चीज है, पूरी इज्जत होनी चाहिए। मैं एज अ हिंदू मैं रिस्पेक्ट करता हूं प्रॉफेट मोहम्मद की, मैं रिस्पेक्ट करता हूं। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, मैं कहूंगा कि प्रॉफेट मोहम्मद कह रहे थे, वो वहां गए, वो बैठे, वो चले, उन्होंने ऐसे बात करी, ये मेरे लफ्ज होंगे, ये लोग क्या कहते हैं टीवी में, ये बोलते हैं अरे वो राम था, कहां पैदा हुआ हमें पता नहीं है, ये तो झूठ बोलते हैं कुछ भी, ये ऐसे बात करते हैं ना। तो बात ये होती है कि somebody will tolerate for some time, then there will be a reaction on TV, then all the countries, Muslim countries will get together, say कि नूपुर शर्मा का सरतंस, ऐसे नहीं होता। नहीं मेरे सर, ये बात ठीक है, आप एक कह रहे हैं कि ये उसका reaction है, लेकिन over the period of time, ये जो continuously US State Department ये कह रहा है जी कि worship places वहाँ पे target होती, ठीक है, कभी दुनिया में हमने ये नहीं सुना कि ये कहा जाए, जो जो आपका जो version है वो नहीं आ रहा दुनिया से जी, ये माइनॉरिटीज का वर्जन क्यों आ रहा है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है ना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, देखें मैं तो सिंपली इस बात पे यकीन रखता हूँ, मैंने मेरा आई थिंक मैंने कुरान में ये पढ़ा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम सो सॉरी अगर मैं गलत बात करूं, कि भाई तुम किसी के खुदा को झूठा ना कहो, ठीक है, ताकि कोई तुम्हारे खुदा को ना कहे, तो जो जिसको मानता है लेट हिम, रिस्पेक्ट हिम, ऑनर हिम, जो भी कर रहे हैं करना चाहिए, हर एक का हक है, वो जिस मजहब की पूजा करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, जिसको मानते हैं उनको मानना चाहिए। ये रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा है, ये क्यों कॉन्टिन्यूसली इंडिया के ऊपर एक इंप्रेशन है, आई नो यू डोंट स्पीक फॉर ऑल ऑफ देम, बट जस्ट अ क्वेश्चन आउट ऑफ योर टॉक, ये क्यों कॉन्टिन्यूसली इंप्रेशन आ रहा है, और ये क्यों इंप्रेशन नहीं आ रहा कि हाँ जी मुसलमान जो है वो इस तरह कर रहे हैं, लेकिन ये तो इंप्रेशन आ रहा है, ये सारी दुनिया ये क्यों करके क्वेश्चन मार्क लगा रही है कि जी ये मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी है, ये किसी की नहीं सुनते, सैफ्रनाइजेशन हो गई है, बहुत कुछ हो गया, तो आप इसमें ये तो देख रहे हैं ना कि पूरी दुनिया का एक कलेक्टिव रिएक्शन है, ये मतलब आपका जो वर्जन है देयर इज नो